सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। हरसुल तालाब आज रात अचानक तेज़ रफ्तार बारिश से आने वाले पानी के बायस छलक गया। यूं तो गुज़िश्ता एक माह से हरसुल तालाब से पानी खारिज हो रहा था, लेकिन आज बड़ी तादाद में या बड़ी मकदार में पानी निकलना शुरू हुआ, जो वहाँ पर जो उसका ओवरफ्लो है, या ये कह सकते हैं कि ओवरफ्लो से बड़ी मकदार में बड़ी मात्रा में पानी निकलने से हरसुल तालाब और खाम नदी के पास जो बस्तियाँ आबाद है, वो बस्तियों में परेशानी का माहौल पैदा हो गया। लोग घरों से बाहर आ गए, लोगों के घरों में पानी जमा हो गया। हरसुल तालाब के पास में बशीरनगर और खाम नदी के पास में जो इलाके हैं, सईदा कॉलोनी तक जो है तो पानी ज़मीन में से निकलना शुरू हुआ। इसके अलावा हिलाल कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी और जो भी खाम नदी के किनारे कॉलोनियां हैं, वहां पर भी पानी बड़ी मकदार में जमा हुआ, जिससे लोग घरों से बाहर आ गए। ज़मीर अहमद कादरी ने म्यूनसिपल अमले को फ़ोन किया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात की शिकायत ज़मीर अहमद कादरी ने सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए भी कहा। तो देखिए हालात किस तरीके से करवट ले रहे हैं। हरसुल तालाब में आने वाले पानी की मकदार बढ़ चुकी है, खाम नदी में भी पानी बढ़ चुका है, निचली इलाके जो है तो पानी से भर गए हैं। और ज़मीर अहमद कादरी ने हमसे क्या कहा, ये भी आप सुनिए। रईजता राजा वहीं खड़े हुए कहीं तो भी देखे बॉर्डर के उस पार हो गया उन्होंने। अरे बोले नहीं उनको, मैंने बहुत देर पहले फोन मारा, मैंने उनको जल्दी से आओ बोल के लेट हो। तुम क्या करो, तुम्हारी गाड़ी जो है ना ऐसे आगे आगे लेते चलते क्या? लो तुम्हारी गाड़ी आगे, हाँ बस लो आगे लो, वो वहां से मारो तुम्हारी गाड़ी को लाइट वहां से मारो, आगे से मारो ना उधर। हाँ एक नंबर आ रहा, आप देखो कैसा आ रहा है वीडियो। हाँ बताओ Thank you.
ये यहाँ का रोड ब्लॉक हो चुका है, देखो साहब। आई क्या सेटिंग में आई भैया? आड़े मोबाइल में ले बोला उन्होंने, आड़े मोबाइल में क्लियर आती बोले, सेटिंग अपनी जम रही नहीं साली। सेटिंग निकल गई मेरे मोबाइल की। कितने मिनट की आई भैया? 10 मिनट की आई क्या? देख भाई, नंबर आ रही है वहाँ, कैसा भेजेंगे अपन? मैं बताता हूँ और कैसा भेजने का। हमारे मोबाइल में क्लियर नहीं आ रही यार नसीर भाव। आज खाम नदी में अचानक तो तुहानी हो गई है और पानी तेजी से पुल के ऊपर गुजरने लगा है। अफसोस की बात तो यह है कि मैंने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब को भी फोन लगाया, फायर ब्रिगेड एमएलए को भी फोन लगाया और कॉर्पोरेशन के वार्ड ऑफिसर को फोन लगाया, बोमे साहब को फोन लगाया, लेकिन कोई भी फोन रिसीव करने को तैयार नहीं है। आप जानते हैं कि इससे पहले ही 48 घंटे का अलर्ट है तो जारी किया गया था कॉर्पोरेशन ने और एक जून भी खोला था कि आइंदा 48 घंटे में जबरदस्त बारिश होने वाली है और उसे नुकसान हो सकते हैं। कॉर्पोरेशन मजिस्ट्रेट को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके 1 घंटे से 1.5 घंटे से यहाँ पर पानी आ रहा है, कॉर्पोरेशन का कोई अमला यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पार्टी खत्म होने के बाद से कॉर्पोरेशन के अफसरान इनका ही लापरवाह हो गए हैं, खासतौर पर मैं म्यूनसिपल कमिश्नर जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी है उनकी लापरवाही की तो हद होगी कि वो फोन इशू करने के लिए तैयार।